गुड मॉर्निंग किड्स, आई एम हीना शर्मा फ्रॉम JOGS Academy. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 6, टाइप्स ऑफ हाउसेस. अभी तक EBS का हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं. क्लास सेकंड में हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. आपका वर्क आपकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए. कभी भी स्कूल में आपको कॉपी के साथ में बुला सकते हैं. सो आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 6, टाइप्स ऑफ हाउसेस. ओके, सो स्टार्ट करेंगे. आप भी आपके बुक का जो पेज नंबर 33 है वो ओपन कीजिए और मेरे साथ में रीड करते जाइए. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हमें ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, नीड बेस आवश्यकता होती है हाउस की. क्यों? रहने के लिए. वी लिव विद अ फैमिली इन अ हाउस. हम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. Our house protect us from all kinds of dangerous and keep us safe. और जो हमारे house हैं वो protect करते हैं, it means सुरक्षा करते हैं हमारी, from all kinds of dangerous, किसी भी dangerous चीज़ों से, and keep us safe, और हमें safe रखते हैं. It keep us warm during winter. और जो winter होता है उसमें warm रखते हैं, and cool during summer. और समर में हमारे घर को ठंडा रखता है. इट ऑल्सो गिव्स अ शेल्टर व्हेन इट रेन्स और स्नोज. और हमें शेल्टर देते हैं जब रेन होती है, स्नोज होते हैं, तब. कौन देता है? हाउस. डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस हम पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस. यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हाउसेस के टाइप्स हैं. कच्चा हाउस और पक्का हाउस, टू टाइप के हाउस बताए हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस कच्चा हाउस. कच्चा हाउस आर मेड ऑफ स्ट्रो. किससे बनता है? स्ट्रो से बनता है, मड से बनता है और वुड से बनता है. दे आर यूजली फाउंड इन विलेजेस. और कहाँ मिलते हैं? विलेजेस में मिलते हैं ये वाले हाउसेस. एंड यूजली हैव दैट शेड रूफ. और इनकी जो रूफ होती है वो कैसी होती है? दैट शेड होती है. इट मीन्स घास फूस की रूफ बनी हुई होती है. दिस हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. और ये हाउस हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स. एक स्ट्रॉन्ग हाउस होता है और बना हुआ होता है किससे? ब्रिक से, सीमेंट से, स्टील से, स्टोन से. दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. हाउसेज इन टाउन्स एंड सिटीज आर यूजली पक्का हाउस. और जो ये वाले हाउसेज होते हैं पक्का हाउसेज, वो कहाँ मिलते हैं? टाउन्स में, सिटीज़ में. पीपल लिविंग इन द प्लेन्स लिव इन हाउसेज सच एज हट्स, बंगलोज, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग, डप्लेक्स हाउसेज और स्काई स्क्रेपर्स. स्काई स्क्रेपर्स क्या है? स्काई स्क्रेपर्स इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग. बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी फ्लोर्स. उसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. एंड इज मोस्टली फाउंड इन बिग सिटीज. बड़ी बड़ी सिटियों में हमने देखा है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रेपर बोलते हैं. ओके, सो पक्का हाउस के टाइप्स कितने हो गए? बंगलोज, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, डप्लेक्स हाउसेज और स्काई स्क्रेपर्स. ये सब किसके हैं? पक्का हाउस के एग्जांपल हैं. पीपल लिविंग इन द माउंटेन. जो पीपल कहाँ रहते हैं? माउंटेन्स में रहते हैं. हैव हाउसेज. उनके घर कैसे होंगे? विद स्लोपिंग रूफ्स. और उनकी जो रूफ होंगी वो कैसी होंगी? स्लोपिंग होंगी. इट मीन्स बहने वाली. जैसे ऊपर पानी पड़ता है तो वो पानी नीचे बहने लगता है. सो दैट स्नो एंड रेन कैन स्लाइड ईजीली. वो स्लाइड कर सकता है ईजीली. दीज रूफ्स आर यूजली मेड ऑफ टाइल्स एंड वुड. ये जो रूफ्स होती हैं वो टाइल्स की बनेंगी या फिर वुड की बनेगी. तो आपको ये जो दिख रहा है, अ हाउस विद स्लोपिंग रूफ, अ हाउस विद अ फ्लैट रूफ. फ्लैट रूफ होगा तो वहाँ पर पानी भर जाएगा, इसलिए माउंटेन्स पे फ्लैट रूफ नहीं होता है. कैसा होता है? स्लोपिंग रूफ होती है. सो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू.